अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम क्राइम वॉच में आवां जो मेज़बान गाज़ी झंडेर। अजोके क्राइम वॉच में असां जिक्र कंदासीं सिंध सरकार ऐं पुलिस विच में जेका ताज़ो छिकताण वारी सूरत हाल शिद्दत अख़्तियार कंदी वञे पई। ॾींहों ॾींहों सिंध पुलिस जे मुख़्तलिफ़ आफ़िसरनि या आई जी सिंध ऐं सिंध सरकार विच में जेका छिकताण आहे उहा शिद्दत वठंदी वञे पई। मुख़्तलिफ़ संगीन इल्ज़ाम आहिनि जेके लॻाया वञनि पिया पुलिस ऑफिसर्स जे तरफ़ां सूबाई वज़ीरनि ते। पहिरियां सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख इल्ज़ामनि जी ज़द में हुयो, हाणे सूबाई वज़ीर सईद ग़नी बि इल्ज़ामनि हेठि आहे, जॾहिं त सिंध सरकार पिणु आई जी सिंध समेत ॿियनि ऑफिसरनि ते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी चार्जशीट जारी कई आहे। हीउ जेको मामिलो आहे इन सां आम माण्हुनि जो केतिरो ताल्लुक़ु आहे, अवामी मुफ़ादनि जो केतिरो वास्तो आहे, केरु सही आहे केरु ग़लति आहे, इहो त ॾिघो बहस आहे। पर असां कुझु शयूं तव्हांजे साम्हूं अॼोके प्रोग्राम में रखंदासीं। मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि नाले वारा सहाफ़ी ऐं आवाज़ टी वी जा एंकर पर्सन ज़ोएब ज़रदारी साहबु। साईं ज़रदारी साहबु, वेलकम। व्यूवर्स, जेको हींअर ताईं जो अपडेट आहे त अॼु सईद ग़नी जे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साम्हूं अचण खां पोइ कुझु देरि पहिरियां सईद ग़नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, सईद ग़नी जे मथां ज़ोएब साहबु इल्ज़ाम लॻायो आहे एस पी जी हैसियत में। तॾहिं डॉक्टर रिज़वान एस पी जमशेद टाउन हो जेको सईद ग़नी जे तक आहे या हुनजो घरु आहे, उन वक़्त जी हीअ रिपोर्ट आहे जेका लीक थी आहे मीडिया में, जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त सईद ग़नी मुबैना तौर ते किराए जे कातलनि जी सरपरस्ती कंदो रहियो आहे माज़ी में। इहो इल्ज़ाम साम्हूं अचण खां पोइ हिकिड़ो नओं भोचाल पैदा थियो आहे मीडिया में। अॼु तव्हां ॿुधियो आहे त सईद ग़नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे न रुॻो हिननि इल्ज़ामनि जी तरदीद कई आहे, पर हुनजो इहो बि चवणु आहे त जेको हीउ हुनजे ख़िलाफ़ु इल्ज़ाम उन वक़्तु एस पी जमशेद टाउन जी हैसियत में रिज़वान ख़ान तर्फ़ां लॻाया विया हुआ, उन्हनि जो दरअसल उन जे पुठियां जेको बैकग्राउंड हो उहो हिकु संदसि इलाइक़े जे नौजवान जी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई, जंहिं ते हुन शिकायत कई, हुन ते इंक्वायरी वेठी, हुन खां पोइ एस पी इहा चार्ज उन जे मथां मड़ी हुई। पर इहा अहिड़ी रिपोर्ट हुई जेका लाॻीतो दॿियल हुई ऐं हाणे हिननि ॾींहनि में उन रिपोर्ट जो साम्हूं अचणु, जंहिंखे को ॿिनि खां टिनि सालनि जो गैप आहे विच में, अञा बि चारि सालनि जो, उन खां पोइ इहा रिपोर्ट साम्हूं अचणु सिंध सरकार जो मौक़ुफ़ु आहे त इहा साज़िश आहे हुकूमत जे ख़िलाफ़ु। पहिरियां पाण इहा सईद ग़नी जो मौक़ुफ़ु ॿुधूं, पोइ वरी हिन ते तव्हां खां राय वठंदासीं। एस पी साहबु ताइनात हुए, एस पी जमशेद लॻे डॉक्टर साहबु, उन्होंने मेरे छोटे भाई फरहान को बुलाया जो यू सी के चेयरमैन हैं, उनको बुला के कहा कि हमें 8 मोटरसाइकिलें लेकर दें, आप चनेसर गोट में एक पुलिस चौकी है वो बनवा के दें, उसका सारा फर्नीचर लेकर दें और आप हमारे लिए मुखबरी करें और इलाके के लोगों के नाम हमें बताएं ताकि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयां करें। मुझे उस वक्त मेरे भाई ने ये बात नहीं बताई, काफ़ी अरसे बात बताई, उसने कह दिया कि भाई मैं आपको कहाँ से दिलाऊंगा 8 मोटरसाइकिलें और कहाँ से आपको बना के दूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ना मैं किसी के नाम बताऊँगा, आप पुलिस का काम है जाके करें, लोगों को ढूंढें जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको पकड़ें और हम आपके साथ होंगे जो जराय पेशा लोग कार्रवाई करें। ये पहली बात थी जो उसने कही जिसको मुस्तरद किया, रद्द किया मेरे उस भाई ने जिसका तस्करा इसके अंदर किया गया है। उसके बाद चनेसर गोट में मेरे इलाके में मंशियात का काम ज़्यादा होने लगा, बढ़ गया काम इस रिजवान के आने के बाद। हमारे डीआईजी थे सुल्तान ख्वाजा साहब, डीआईजी ईस्ट, मैं नाम ले रहा हूँ, पूछिएगा जाके, अच्छे ऑफिसर हैं। मैं उस वक्त शायद एमपीए बन गया था, मुझे एग्जैक्टली क्यों तारीखें याद नहीं होंगी, हो सकता है कि सीक्वेंस आगे पीछे हो। मैंने उनसे बात की फ़ोन पे कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे मुझे कोई बात करनी है, और मैंने उनको यही कहना था कि मंशियात बढ़ गई है और पुलिस आपकी कोई काम नहीं कर रही है, उस पर ज़रा कार्रवाई करें, उसको बंद करवाएं। 2-3 मरतबा कोशिश करने के बावजूद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मेरा फ़ोन चेंज हो गया, वरना वो मैसेजेस भी मेरे पास रिकॉर्ड में होते हैं, वरना वो मैसेज भी आपको दिखाता। मैंने उस वक्त के एडिशनल आईजी से रابطہ किया, 2-3 मरतबा कोशिश करने के बावजूद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरी फ्रस्ट्रेशन इतनी थी उस वक्त जब जुराइम बढ़ रहे थे और ये डीआईजी और एडिशनल आईजी की मुलाकात मुझसे नहीं हो रही थी, सिंध असम्बली के इजलास में सोहेल अनवर सियाल साहब वज़ीर दाखला थे, मैंने जाकर सोहेल अनवर सियाल की कुर्सी पे गया, मैं उसके पास चलकर गया
और उसको मैंने कहा कि मैं आपके DIG को रابطہ कर रहा हूँ, आपके एडिशनल IG को रابطہ कर रहा हूँ और ये मुझसे नहीं मिल रहे हैं। मेरे इलाके में मंशियात का काम ज़्यादा बढ़ रहा है और अब मैं असेंबली के अंदर खड़े होकर उस पर बात करूँगा, क्योंकि अगर पुलिस इस तरह नहीं सुनेगी तो मेरे पास ये ऑप्शन रह जाता है। बहरहाल सोहेल ने मुझे, जिस तरह होता है कि नहीं नहीं अभी आप ठहर जाओ मैं करता हूँ, मैं असेंबली से बाहर निकला, मुझे एडिशनल IG का फ़ोन आया कि जी आप कोई बात थी, कोई मिलना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं तो पता नहीं कितने अरसे से मिलना चाह रहा था आपसे, लेकिन बहरहाल फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया कि ये सिलसिला हमारे इलाके में है और आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जराइम बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद मैं DIG जो सुल्तान ख्वाजा साहब थे उनके दफ्तर में उनसे मिला और उनको मैंने जाके बताया कि जनाब मेरे इलाके में मंशियात का काम काफ़ी बढ़ रहा है और पुलिस उसको नहीं रोक रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें आप। दोनों लोग हयात हैं, जाएं जाकर पूछें कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद अगर इलाके में कार्रवाई हुई, मंशियात का काम कम हुआ, लोग पकड़े गए, लेकिन तरीका क्या अपनाया गया कि 2 मंशियात वाले उठाओ और 20 बेगुनाह उठाओ, ताकि वो एक पॉलिटिकल प्रेशर और एक वो हमारे ऊपर भी आए, ये हरकतें भी शुरू की गई। लोगों को पकड़ पकड़ कर, देखें चनेसर गोट हो, लियारी हो या और कराची के इलाके हों जहाँ पर माजी में ये गैंग्स का इशू रहा है, वहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ कई लोग उन हालात की वजह से इन गैंग्स के साथ फिरते रहे, उनके साथ उनका नाम जुड़ गया, लेकिन जब हालात बेहतर हुए तो लोग अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं उनसे। और मैं हमेशा इस बात की वकालत करता रहा हूँ, मैं रेंजर्स से मिलता हूँ, मैं रेंजर्स को कहता हूँ, मैं पुलिस अफसरों से मिलता हूँ, मैं उनको कहता हूँ और अपनी पॉलिटिकल जहाँ मीटिंग्स होती है वहाँ भी कहता हूँ कि जिन लोगों ने वो जराइम छोड़ दिए हैं, जो उन मुश्किलात से निकल आए, जो जेलों में चले गए, वहाँ से बरी होकर आ गए, जमानतों पर आ गए, अब वो काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी जान छोड़ो, उनको कोई इज्जत का काम करने दो आप। होने ये लगा कि जिस आदमी ने काम छोड़ दिया है 2 साल 5 साल 6 साल 8 साल से, उसको उठाओ 5 किलो चर्च में बंद कर दो, उसको उठाओ पिस्टल लगा दो, उसको उठाओ क्लेशन लगा दो, ये हरकतें जो हैं वो हो गई शुरू। जाहिर है कि इस पर हम बात करते रहे और लोगों को पकड़ के मारने के लिए भी ये मशहूर थे, उठाते थे और मार देते थे। ये भी हुआ कि कई दफ़ा कुछ लोगों को उठाया गया तो हमने बिल्कुल, जब उनकी फैमिलीज उनके बच्चे आ जाते थे कि जी वो उठा के ले गए ये मार देंगे, हमने ज़रूर बात की कि भाई आपने पकड़ा है, जो जुर्म है उस जुर्म में पकड़ो, मारना नहीं है किसी को आपने, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूर किया है। रिजवान साहब को शायद ये तकलीफ थी कि मैंने ये शिकायत क्यों की DIG को जाकर और एडिशनल IG को जाकर कि मेरे इलाके में मंशियात का काम बढ़ गया है, और शायद बदले में उन्होंने ये रिपोर्ट बना दी। विवर्स सईद गनी जो अज मीडिया से गाल बोल कई है, ये तुम बुधी ये सईद गनी जो मौकुफ है सदस मौजूब त पुलिस जो कुछ ऑफिसर साजिश में मुलविस सिंध सरकार के खिलाफ़ उन साजिश जो हिस्सो बनाए वे पो सईद गनी के भी। जुहैब साहब लागे तो बिन टिन डी वी अपडेट्स सामू अचन पाया, शुरुआत थी इम्तियाज़ शेख साहब के खिलाफ़ जो रिपोर्ट हुई, उन रिपोर्ट के जो सिंध सरकार जो क्लेम आ नालो दिनों वो सीक्रेट रिपोर्ट जो, पर वह मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ में डिठी वही, हाँ जो ही अज सईद गनी वो अपडेट है, इन समूरी सूरत हाल के तुम शुरू का वी ऐसो पाया, तवी कड़ी राय है तो हि ब्लेम गेम है, असल त पावर गेम आ पावर गेम के हिस्से में इन ब्लेम गेम जो इस्तेमाल किया वे पो गाय साहब। सब का पैं तो यहाँ जो शिकारपुर की सीक्रेट रिपोर्ट जो हाँ सीक्रेट रही ना लीक थी चुकी है, उन भी ही जका जमशेद टाउन जी रिपोर्ट है, इनमें बत सिमिलरिटीज जी बन उ एक तो बी सिटिंग कैबिनेट मेंबर्स के खिलाफ है, बी जी सिमिलरिटी है तो वो सागे ही ऑफिसर जो ठायल है, मतलब त इन करे सवाल तमाम घना जन्म वन था तो एकड़े पास जे जिनते इल्ज़ाम लगन था उई सूबाई वजीर हैं, जो इल्ज़ाम लगाए पे वो एकड़ो सागो ही SP आ जैसे इतने हु तद रिपोर्ट ठाई। बिल्कुल यह क्लियर है तो जैसे का यो पुलिस सिंध हुकूमत के विच में इख्तलाफ थे हैं, खास तौर पर IG के तब्दील करण वो जी कैबिनेट जो फैसलो आयो है तो उन शूँ खुली करे सामू अची वन, मुख्तलिफ़ वक्तन ते चीफ मिनिस्टर पुलिस के तनकीद भी कंदो रहे है, पुलिस आडो पांजी बेवसी जो इजहार फ्लोर ते भी कंदो रहे है, तोड़े जो IG साहब चवंदो तो भाई हू फॉलो तो करे गवर्नमेंट के, पर बावजूद तुम डिठो तो
जेके पब्लिक सेफ्टी कमीशन जा इजलास थे टे इजलास शुरू में तो वो भी को जैसे उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास थी तो उन वो जै जै जैमें समूरी शूं थी वही सिंध हुकूमत उनसे ठही भी वही रेजोल्यूशन वापस थो सो कुछ थो हाँ जाहिर है मसलो सो रिट जो है सिंध हुकूमत चाहे थी तो असि रिट रहे आईजी साहब चाहे तो इंडिपेंडेंटली कम क्या इदारे के तौर पर जिसंदी तो मन जो पा पुलिस की रिपोर्ट भी खूँ या पुलिस जो मौकुफ़ खूँ ए सिंध गवर्नमेंट जो मौकुफ़ खूँ तो कुछ शे बिन्हीं से इतफाक़ कौ कुछ शेयर में तिन्हीं से इख्तिलाफ़ कौ कुछ शेयर में बिन्हीं से तनकीद कौ बिन्हीं सवाल उथारे तो बिन्हीं की कारकर्दगी सवाल या निशान बणजे थी न पर सोहेब साहब ये रिपोर्टू हैं हि तो ज़ाहरी तौर पर पान के नज़र अचे पोको पस मंजर आ तो उमरकोट में हलीम आदिल शेख की एफ आई आर दाखिल थे एस एस पी जो खिदमतूँ सरेंडर कर ऐं ईअं ई रिज़वान ख़ान जूं ख़िदमतूं सरेंडर करणु हीअ अजीब न पियो सिंध पुलिस ऐं सिंध सरकारि विच में जेका वेझे माज़ी में प्रैक्टिस रही आहे त जीअं तव्हां सही चयो त आई जी साहिबु चाहे थो त हू इंडिपेंडेंट कमु करे या पावर्स हुन वटि हुजनि ॿई चाहिनि था सी एम साहिबु चए थो त मुंहिंजी मर्ज़ी जा एस पी लॻनि सभई मिनिस्टर चाहिनि था मुंहिंजी मर्ज़ी जी सभु शयूं थियूं ॻाल्हि असल में इहा आहे इहा जेका रिपोर्ट जेका मूं पढ़ी आहे वीहनि पेजिस ते आहे जेका एस एस पी शिकारपुर उमाणी आहे इन में उहे ॻाल्हियूं कयल आहिनि जेके कुझु ॻाल्हियूं एस एस पी साहिबु कुझु अरसो अॻु में मीडिया जे नुमाइंदनि सां शेयर कयूं हुयूं जंहिं ते सिंध हुकूमत उनखे रिएक्शन ॾिनो त भई उहा मीडिया सां हिनखे ॻाल्हि करण जी ज़रूरत कहिड़ी जॾहिं ॾिसो न रिपोर्ट हिन 14 तारीख़ ते जारी कई आहे हाणे जारी कई आहे उन वक़्तु मतिलबु उन वक़्त में रिपोर्ट जेकॾहिं कंप्लीट न हुई त एस एस पी साहिबु छो कमिट कयो उन ते छो लीक कई पंहिंजी शइ ऐं जॾहिं त पाण हुनखे सीक्रेट जो नालो ॾिए पियो त ॿ महीना अॻु में या ॾेढ महीनो अॻु में उनखे छो लीक कई ऐं जॾहिं कंप्लीट न हुई त हुन हिन क़िस्म जा कमेंट छो कया ऐं जेकॾहिं उन वक़्तु कंप्लीट हुई ऐं हिन कमेंट कया त पोइ एतिरी देरि छो लॻाई हिन उनखे मथे हाई अथॉरिटीज़ खे मोकिलण जे लाइ त असल में चलो ठीकु आहे जेकॾहिं तव्हां सम्झो था इम्तियाज़ शेख वॾो ॾोहारी आहे जेको रिपोर्ट में पाण सम्झो था त मां सम्झो त शिकारपुर में जेको ॾोह आहे उहो इम्तियाज़ शेख थो कराए जेको रिपोर्ट ठीकु आहे जेकॾहिं उनजे लाइ तव्हांखे हाई अथॉरिटी खां तव्हांखे परमिशन खपे सिटिंग मिनिस्टर आहे तव्हां उनखे ज़ाहिर आहे की रिएक्शन खां या कुझु खां त हाई अथॉरिटीज़ खां मक़बूल शेख त को पाव हुनखे त को पॉलिटिकल पावर कोन्हे न को गवर्नमेंट जो पावर कोन्हे उनजे ख़िलाफ़ु एक्शन छो न वरितईं फराज़ शेख जे ख़िलाफ़ु छो न एक्शन वरितईं फयाज़ शेख जे ख़िलाफ़ु छो न एक्शन वरितईं जेके ॿिया माण्हू आहिनि उहे त कैबिनेट में कोन वेठा आहिनि मतिलबु त ख़ुदि पुलिस पाण इन में उनजी जेका कोताही आहे उहा बि साम्हूं अचे थी वरी पाण चऊं था हिते चनेसर ॻोठ जे हवाले सां जेका साॻे एस एस पी जी रिपोर्ट आहे त भई हिते सईद गनी जेको आहे किराए जे कातलनि जो सरपरस्त आहे इल्ज़ाम इंतिहाई संगीन आहे ऐं इन में बिल्कुलु पाण ॾिसंदासीं त माज़ी में जेके पॉलिटिकल माण्हू आहिनि उहे हिक ॿिए ते इहे ई इल्ज़ाम लॻाईंदा रहिया आहिनि त टारगेट किलर्स जा सरपरस्त आहिनि पॉलिटिकल विंग्स सां गॾो गॾु मिलिटेंट विंग्स हलाइनि था इहे कराची में लॻंदियूं रही लॻंदा रहनि न पर जनन ॾींहनि जो ई इल्ज़ाम आहे उन्हनि ॾींहनि में इहो बि सच आहे त चनेसर ॻोठ लियारी खां पोइ या कराची जे मखसूस पॉकेट सां गॾु चनेसर ॻोठ बि अहिड़ो इलाइक़ो रहियो आहे जेको माज़ी में मनशाद जो गढ़ रहियो आहे ऐं गढ़ रहियो आहे हाणे बि गढ़ आहे मनशाद हाणे बि मां सम्झो कराची में तव्हांखे चनेसर ॻोठ मां इज़ीली मिली वेंदी पर जेकॾहिं को बि माण्हू पॉलिटिकल या उनजे फैमिली सां लाॻापो रखंदड़ या को बि माण्हू जेकॾहिं उहो मनशाद फरोश आहे क्रिमिनल आहे को टारगेट किलर आहे त उनखे पकड़णु पुलिस जी ज़िमेवारी आहिनि पुलिस छा माना इहो जेकॾहिं रिज़वान साहबु इहो पंहिंजी रिपोर्ट में लिखे थो इम्तियाज़ शेख इंफ्लुएंस इस्तेमालु करे पुलिस खे कमज़ोरु कयो आहे त मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त पुलिस कीअं कमज़ोरु थी आहे बिल्कुलु साॻे वक़्तु सईद गनी जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं एतिरा सालनि खां वठी रिपोर्ट हुई त उन ताईं कारवाई छो न थियो ऐं इहा रिपोर्ट हाणे हिननि ॾींहनि में रिपोर्ट छो पई थिए तफ़सीली डिस्कस कंदासीं पर वक़्तु थिए पियो व्यूअर्स ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ जॾहिं असां वापसि ईंदासीं त ज़ोएब ज़रदारी साहब सां इन हवाले सां वधीक डिटेल में कचहरी थींदी